जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी आपके चरणों में दास पारू को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सवाल है ये कि इसमें यहाँ पे हम वो बैठाए हुए हैं माइक पास पोथी पत्र बैठाए हुए हैं, तो मेरे ससुर को भी तीसरा साल पूरा होगा मई में, तो वो हो जाएगा? हाँ, अपने पितरों के भागवत जी की पोथी पाठ 13 के बाद कभी भी कर सकते हैं। नहीं, आप जैसे बताते हैं कि 3 साल बाद, वो तो श्राद्ध है। अच्छा। वो गया जी का पिंडदान है, गया श्राद्ध पिंडदान 3 वर्ष बाद होता है। भागवत जी कभी भी 13 के बाद कभी भी हो सकती है। जी जी। और मेरा जी एक सवाल था, तुलसी का माला जैसे हम लोग को पहनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, तुलसी सबको पहनना चाहिए, स्त्री पुरुष सब। तो जैसे फिर वो शौच के समय निकालना चाहिए तुलसी की माला? जब नहाने जाओ तो उस समय निकाल के रख दो, या कोई पहना भी रहे तो दोष नहीं है। और अशुद्धि के दिनों में भी चाहो पहने रह सकते हैं, पहने रहने में कोई दिक्कत नहीं। तुलसी की माला उतारना चाहो, चूंकि लकड़ी है, यदि बार बार गीला करेंगे ना तो जल्दी खराब हो जाएगी, तो खराब हो जाएगी इसलिए लोग उतार के रख देते हैं कि नहा के फिर पहन लेंगे, पानी से बार बार भीगेगी तो खराब हो जाएगी। महाराज जी हम यहाँ पे आए हैं तो नया लिए हैं 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी निकाल निकाल के हम नहाते धोते हैं, फिर कोई भी कोई बात नहीं। और महाराज यदि आपके पास माला 2-3 रख लो, एक खराब होगा दूसरा, तो फिर पहने रह सकते हैं। और महाराज जी एक सवाल है, जैसे कि अगर माला जपने को अगर मन करता है, अभी हम गुरु मंत्र नहीं लिए हुए हैं, अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं और तपस्या कर ले तो फिर ले थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है। तो बच्चों में बहुत सुधार आया है देखने से, स्कूल से आते हैं तुरंत भागवत कथा में बैठते हैं, अब तो लड़ाई झगड़े भी करते हैं दोनों भाई बहन आपस में, तो बोलते हैं वो पापी मन कर ले भजन, सब ऐसे लड़ाई करते हैं। अच्छा। और महाराज जी ये पूछना था कि मतलब बोल रहे थे तो जपने के लिए माला तुलसी का मांगे, तो बोल रहे थे जब तक गुरु मंत्र नहीं लेंगे तब तक आप नहीं जप सकते। नहीं नहीं, मंत्र तो जाप, गुरु मंत्र लेंगे तभी तो मंत्र मिलेगा। अभी तो कोई भी मंत्र आप जप रहे हैं, श्रीमन्नारायण जपिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव जपते हैं, जपते रहिए जो मंत्र है, पर जब तक मंत्र गुरु मंत्र मिलेगा तब फिर वो प्रॉपर मंत्र होगा। तो किस माला पे जपे महाराज? तुलसी की माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भी तुलसी की माला पर ही जपना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण और नारायण के कोई भी मंत्र हो वो तुलसी की माला से होते हैं, बिना गुरु मंत्र लिए। शंकर जी का कोई भी मंत्र होगा वो रुद्राक्ष की माला से होगा। बिना गुरु मंत्र लिए तुलसी की माला पे जप सकते हैं? जप सकते हैं। वो कह रहे थे जैसे आदत पड़ जाएगी फिर 5 साल बाद जपा जाता है। हाँ, तो आदत पड़ जानी चाहिए फिर गुरु मंत्र के बाद, अच्छी तो आदत पड़ी पड़ाई पड़ गई है, मतलब हम जपते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, जैसे एकादशी के दिन कोई खत्म हो गया है तो उसका श्राद्ध पड़ता है एकादशी के दिन, तो उस दिन अन्न नहीं खिलाना चाहिए, तो उस दिन क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए? फल फूल फलाहार चीजों का प्रसाद भोग लगा के और भोग लगा देना चाहिए, फल का है नहीं, जैसे ब्राह्मणों को खिलाना। हाँ, वो तो ब्राह्मण लोग भी तो नहीं फल खाते क्या? तो वही सब खिलाना, वही फलाहार बनाओ बढ़िया, उसकी खीर बना लो, क्या होता है वो, ठीक है, साबु गाबू दाना नहीं। और गुरु जी एक सुनो, सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा जी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बन जाती है, बढ़िया आलू की सब्जी बन जाएगी, और भी चीज बन जाएंगी, बहुत सारी चीजें जो भी आप लोग, लौकी का प्रयोग हो जाता है। और एकादशी के दूसरे दिन जब क्या कहते हैं कुछ दे के निकाल के कुछ खाना चाहिए, सीधा दे के खाना चाहिए या ऐसे ही व्रत तोड़ना चाहिए? एकादशी का नियम ही है पहले खिलाओ और फिर पारण करो। उसमें क्या कहते हैं चावल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एकादशी के दिन चावल नहीं, चावल के अतिरिक्त कोई भूखा है तो उसे कुछ और दो, चावल नहीं देना चाहिए। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी हमारे 2 प्रश्न हैं। बोलो। गुरु जी हमारे घर में मुसलमानों वाले देवता हैं, उनमें बलि चढ़ती है, तो क्या करें हम? तो आप लोग चढ़ाते हैं बलि? जी बकरा की बलि चढ़ती है जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे की शादी होती है। तो कौन से देवता हैं आपके यहाँ? उनको मियाँ बाबा बोलते हैं। तो मियाँ बाबा हैं तो बकली बकरा बकरी तो खाएंगे, तो हम क्या करें? तो मियाँ बाबा को घर में काहे बिठाए हो? तो वो तो पहले से हैं, हम थोड़ी रखे। तो पहले से है तो आप लोग पहले के लोगों की
अज्ञानता का बोझा आप भी उठाएंगे। जब से हमने भागवत सुनी है तब से हम अपने घर में किसी को करने नहीं, कोई मियां मजार की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान को बिठाओ, भगवान की पूजा करो, किसी की हत्या नहीं। इस अपराध से, पाप से बचना चाहिए। हम सनातनियों को ये क्या हो गया है, कोई कुछ पूज रहा, कोई भगवान तो है अपने, राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो। गुरु जी हमने क्यों किसी की हत्या, पोथी पाठ बिठाए है, हमें हमारा गोत्र नहीं मालूम था तो हमने कश्यप गोत्र से। ठीक है, अपने पूर्वजों से कोई जिंदा हो, कोई हो तो उनसे पूछ लेना क्या गोत्र वगैरह है। उन लोगों को खुद नहीं पता है तो हमें क्या। ठीक है, फिर आपने जो मान लिया ठीक है। गुरु जी हमारे नंदोई विदेश में रहते हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपके नंदोई को राधे राधे, मेरे बच्चों को भी बोल दीजिए। खुश रहिए, आपके सब बच्चों को राधे राधे।